के जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के रूप में ये कभी भी गौमांस नहीं खा सकते। एक दुनिया में जो इनसे या इनके परिवार से या इनके समुदाय से बैर भाव नहीं रखता, ये उससे कभी बैर भाव नहीं रखेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्या हो गया वसीम मुसलमान से हिंदू हो गया और कुछ मुसलमानों को ये सब देख के आग लगी हुई, आग बगुला हो रहे। क्यों क्यों आप लोग रिएक्ट कर रहे हो मुसलमानों की, क्या वजह क्या है? हमें अपने आप से सवाल करना है कि क्या मैं किस दर्जे का मुसलमान हूं, या फिर मैं सिर्फ नाम का मुसलमान हूं? और नाम से ना कोई मुसलमान होता है, नाम से ना कोई हिंदू होता है। हमें अपने आप से सवाल करना है कि क्या मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूं, क्या मैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे हूं, अखलाक है मेरे, क्या मैं अपने माँ बाप की खिदमतों में जुड़ा हुआ हूं? नहीं, बस दूसरा कोई है, बस तभी मुसलमान जाग जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप पे मेहनत करो, अपने घर वालों पे मेहनत करो, फिर ये दूसरों पे ऐसी तंज बाजिया करो। दैट्स नॉट फेयर। उसका अपना है अल्लाह का, उसका मामला है भगवान का, उसका अपना मामला है। यही टिकटॉक पे कुछ है मुसलमान जो औरतों को खौर कर रहे हैं, औरतों के लाइफ पे उनके कमेंट्स में जाके माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, क्या ये इस्लाम सिखाता है? ये है हमारा इस्लाम? कभी अपने आप से सवाल किया? आज वही लोगों को मैं देख रहा हूँ टिकटॉक पे वसीम के खिलाफ, मैं बोल रहा हूँ ओ भाई तो अपने आप को भी तो देख ले, कैसी कैसी गालियां देते हो, तब अपने इस्लाम और अपने मुसलमान होने लगता नहीं है कि क्या होगा हमारे मजहब का? आप गाली देके चले जाते हो, सारे मुसलमानों का नाम खराब होता है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहिए जितेंद्र प्रसाद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, वसीम साहब क्या है नया नाम? जितेंद्र नारायण सिंह गिरी, इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। वसीम रिजवी जब जब मुतने जाएगा तब तब उसे याद आएगा कि मेरा बाप एक मुस्लिम था। अरे कुदरत तेरी शान ही निराली है, वो कहते हैं ना ऊपर वाले की मार में आवाज नहीं होती, काम भी हो जाता हो, इन जैसे मुनाफिकों को पता भी नहीं चलता है। अब जैसे इसके साथ हुआ है, ये चले थे कुरान की आयतें बदलने, ऊपर वाले ने इन्हें ही बदल दिया। तो सुन वसीम रिजवी, अरे मिट गए इस्लाम को मिटाने वाले बड़े बड़े नमरूद भी, अरे मिट गए इस्लाम को मिटाने वाले बड़े बड़े नमरूद भी, और तेरी क्या औकात थी वसीम रिजवी, खुद गवाही देता है ये लाशाए फिरौन का। अरे अल्लाह की जात तो वो पाक जात है कि तेरे जैसे मुनाफिक की जरूरत ना थी ना है और ना रहेगी, और तू कुछ भी बन भैया, उस पे डिंडोरा पीटने की जरूरत क्या है? अरे समुंदर से एक बाल्टी पानी निकालो तो समुंदर को फर्क पड़ता है, नहीं ना समझे? वसीम रिजवी को तो आप सभी लोग जानते होंगे, सुनने में आया बिरयानी इतनी कड़क बनाता है भैंसे की कि क्या बताए, और खाया भी है सफेदा का और भैंसे का बिरयानी। अब साला समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब चीज खाने के बावजूद उन लोगों ने उसको अपने धर्म में कैसे ले लिया यार। जब वो साला इबलीस अपने धर्म का नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या घंटा होगा? हाँ ये हो सकता है किसी को नजर में ताड़ के रखा हो, किसी दिन खबर आए क्या वरमाला लेके खड़ा हुआ है। भैया हम कहा करी, हाँ कहा करी, भाई के कमेंट जो एकदम दिल का टच कर दी यार, बताओ मसला ही है नूनी जुड़वाए के चला करो भाई, तो पूरा टुकड़ा कटवा देता है, जर जोरू जमीन सब एकदम सपा। अरे दादा कब चलेगा भैया बताओ है? अरे कहा चाहा तो भैया एकदम प्लेन सपा चट। अरे दादा, अरे दादा ऐसा कमेंट बहुत अच्छा लग भैया, तो रास्ते खेलते का हो भैया लोगन, इस मुनाफिक का तुमने धर्म परिवर्तन तो करा दे, इसकी टुनटुन परिवर्तन कब करा रहे हो? टुनटुन तो मियां भाई वाली ले रहा नौकदार, अब वो भी टुनटुन परिवर्तन भी करावा। कैसे लोग रहते हैं यार।